करना वो जाके गुड इवनिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश। बैक टू बैक आप इंटरव्यू सुन रहे हैं ऑल वे लाइव फ्रॉम कला मंदिर, जहां पे बस से थोड़ी देर में सेल्फी प्ले जो है वो शुरू होने वाली है, प्रीमियर हो रही है हिंदी में और काफी अच्छा लग रहा है। उनके स्टारकास्ट के साथ मेरी बातें हो रही है, श्वेता गुलाटी हमारे साथ इस वक्त है, उनके साथ भी बातें होनी चाहिए। श्वेता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता। हेलो 91.1 एफएम, बिग 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 हेलो टू द वार्म पीपल ऑफ कोलकाता एंड आई लव बीइंग इन कोलकाता, इट्स सच अ लवली प्लेस। क्रिसमस के पहले आपके साथ मुलाकात हो जा रही, सिटी ऑफ जॉय लेकर कुछ कहना, जैसे कि ऑफ ईयर आपके साथ बातें हुई थी, आपको कोलकाता पहले ही बहुत बार आ चुके, कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का खाना की तो क्या बात है, और अब तो मौसम भी इतना अच्छा है और फेस्टिव सीजन है, तो मैं सबको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस कहना चाहूँगी और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द लवली पीपल ऑफ कोलकाता। और बस ऐसे ही हमें बुलाते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, यहाँ के लोग इतने मीठे ना, मिष्टी दोई जैसे नहीं बट अच्छा लगता है, यू नो जब लोग बुलाकर इतना इतना प्यार देते हैं तो सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। वैसे सेल्फी की हम बातें करें, अगर प्रीमियर जो है हिंदी में होने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे इस प्ले के बारे में? बहुत खुशी हो रही है कि हम सेल्फी अभी हिंदी में परफॉर्म कर रहे हैं और बस उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये शो बहुत अच्छा है, बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत मज़ेदार, लाफ्टर भरा, इमोशंस भरा, आंसुओं भरा, ड्रामा भरा, सस्पेंस भरा है, तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को पसंद आए। और दोबारा एक बार मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी सारे लोगों को हमें यहाँ बुलाने के लिए, और प्लीज़ बार बार बुलाते रहिए। और ये तो एक शो है, हम बहुत सारे शोज करेंगे कोलकाता में, हर किसी को ये देखना चाहिए। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपके और भी यहाँ पे बहुत सारे शोज हों। वैसे मुझे बताइए कि प्लेटफॉर्म बनाई गई है, प्लेटफॉर्म पे रेस्ट रूम बनाई गई है, माजरा क्या है कुछ अगर बताएं? अभी मैं ज़्यादा ये कहानी 5 औरतों की है जो रेलवे स्टेशन के एक वेटिंग रूम में मिलती हैं और कैसे एक दूसरे से बात करते करते, वेट करते करते, क्योंकि ट्रेन डिले हो गई है, तो वेट करते करते, बात करते करते कैसे एक दूसरे की लाइफ खुलने लगती है और फिर उनका पर्सपेक्टिव अपनी ज़िंदगी की ओर बिल्कुल ही चेंज होता है, हो जाता है दूसरे की ज़िंदगी के बारे में सुनकर। तो ये कहानी बस उसी के बारे में है और आई एम श्योर कि हर औरत और हर आदमी या एनी लेडी और एनी जेंटलमैन हु विल वॉच दिस प्ले विल टेक सम गुड टिप्स होम टू लिव लाइफ। आपको बता दूं, जैम पैक्ड ऑडियंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 6:37 अराउंड ये प्ले शुरू होने वाला है, कुछ कहते जाइए जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, क्रिसमस न्यू ईयर के आपके प्लान्स क्या हैं, कुछ कह रहे हैं? फिलहाल तो यहाँ सेल्फी के प्लान्स हैं, घर जाके क्रिसमस हम बहुत जोरों शोरों में मनाते हैं क्रिसमस डे। वैसे बाय द वे मेरे घर पे स्पेशली बहुत बड़ी सी ट्री पुट अप है 10 तारीख से, हाँ, और बहुत घर भी पूरा सजा हुआ है क्रिसमस के लिए, क्रिसमस लंच होगा, हाँ बिल्कुल बस सेल्फी परफॉर्म करने की खुशी है और घर जाके क्रिसमस मनाने की बस वेट कर रहे हैं अब तो। थैंक यू सो मच श्वेता हमारे साथ बातें करने के लिए, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।